बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। यहाँ तक कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रातों को इबादत करते हैं, पाँव में वरम आ जाते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं रातों में अल्लाह के सामने। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ना उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो अगले पिछले सारी लगसी खताएँ माफ़ हैं और आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के आली मुकाम पर गोया फ़ाइज कर दिया है, आप तो उस मकाम पे फायज हैं, तो फिर आप जो है वो इतना गिड़गिड़ाते रोते और अपनी इबादत में इतनी मशक्क़त क्यों उठाते हैं, तो आप तो बख्शे बख्शाए। उस पर सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफल अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ कि जिसने मुझ पर ये इनाम किया कि मुझे अफजुल अम्बिया बना दिया, मुझे सैयद रसूल बनाया और मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी लगसियाँ जो है खताएँ जो है माफ़ कर दी, इतनी बशारतें अल्लाह ने मुझे दी, इतना मुकाम आली दिया है, तो हक ये बनता है कि मैं अल्लाह का शुक्र करूं। तो इसका मतलब ये कि शुक्र जो है ये ऐसी मंजिल है कि जिसको मिल गई गोया कि दुनिया में रहते उसको जन्नत का वो मुकाम मिल गया कि जो अहले जन्नत कहेंगे वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हमारा आखिरी कलाम यही है कि हम अल्लाह तबारक व ताला को शुक्र करते हैं कि जो सारे जहानों को पालने वाला है। इसलिए नाजरीन शुक्र करना सीखें, छोटी से छोटी भी नेमत हो उसका शुक्र करें, हर वक्त शुक्र करें, क्योंकि जिस हालत और कैफियत में आप हैं आपको पता नहीं कि उससे भी कमतर हालत में दुनिया जी रही है। अगर आपको एक वक्त की रोटी मिलती है तो तीन वक्त नहीं मिलती, तो आप ये समझ लें कि दुनिया में ऐसे भी जिनको एक वक्त भी नसीब नहीं है। आपको सालन रोटी मिल रही है तो शुक्र करें, ऐसे लोग हैं जो चटनी रोटी भी गुजारा कर रहे हैं। अगर चटनी रोटी के आके लाले पड़े हुए हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो फकर व फाका के साथ जो है पेट पर पत्थर बांध कर इथोपिया के जंगलों के अंदर पड़े हैं। इसलिए कोई हालत इंसान की ऐसी नहीं है कि उससे कमतर कोई हालत ना हो, लिहाजा दुनिया के इन मामलात और नेम व नवाल में इंसान अपने कमतर पे नज़र रखे। जब कमतर पे नज़र रखेगा तो जो हालत उसकी है उस हालत में उसके लुत्फ़ पैदा होगा।